और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुधं कीत गृह शोभा वर्ण न जाई, न तुलसी का वृंद था देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।